नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2024 बजाज पल्सर इन 160 के बारे में। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकआउट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 2024 पल्सर इन 160 में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है, कितने अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है, कितना कलर ऑप्शन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, कितने माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकता है और क्या नया अपडेट है इन 160 के ऊपर, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू डोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप डोल्टा बजाज में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यू इन 160 की की से। तो की यहाँ पे आपको नॉर्मल की मिलता है बजाज के ब्रांडिंग के साथ और ये आपका 2024 मॉडल है। ये आपको कैसे पता चलेगा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पीछे में आपको यहाँ पे MY24 का स्टिकरिंग दिख रहा होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या 24 का ही ये बाइक है। कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो टोटल 3 कलर ऑप्शन कंपनी 2024 मॉडल में आपको प्रोवाइड कर रही है। एक है आपका ब्रुकलिन ब्लैक, उसके साथ साथ ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है आपका पोलर स्काई ब्लू कलर और ये टोटली मेटालिक कलर है, बहुत ही कम देखने को मिलता है मार्केट में। और एक कलर मिलता है मेटालिक पर्ल व्हाइट। टोटल तीनों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। ये पोलर स्काई ब्लू कलर आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे प्राइस की अगर बात करें तो पहले मैं आपको इसका एक शोरूम प्राइस बता दे रहा हूँ, अराउंड 1,29,289 रुपीज़ के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो अराउंड 1,57,500 रुपीज़ के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। अपडेट क्या है, अपडेट के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे इग्निशन को जो है ऑन कर चुका हूँ और इग्निशन ऑन करने से यहाँ पे इसका जो DRL है या फिर प्रोजेक्टर है ये ऑन नहीं होता है। जब तक आप इस बाइक को स्टार्ट नहीं कर दो तब तक आप इसका DRL को जो है ऑन नहीं कर सकते हो। हाँ, डीपर दबा के ज़रूर आप इसका प्रोजेक्टर को ऑन कर सकते हो, अदरवाइज़ जो है आप इसको अगर स्टार्ट करते हो तभी जाके इसका मेन हेडलाइट ऑन होता है। और देखिए मैं एक बार इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी देखिए इसका प्रोजेक्ट ऑन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है। ये जो स्विच आप देख पा रहे हो, इस डेडिकेटेड स्विच से बेसिकली आप इसका मेन लाइट को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। तो दिन के टाइम पे जो है आप प्रोजेक्टर ऑफ करके चला सकते हो और नाइट के टाइम पे जो है आप बस इस स्विच को राइट साइड मूव कर दो एंड देन जो है इसका मेन प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइट सेटअप के साथ ये इन 160 आता है, मतलब यहाँ पे बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है इसका लो बीम, एक बार हाई बीम ऑन करता हूँ। ये है इसका हाई बीम, आप लाइट थ्रो यहाँ पे खुद ही देख पा रहे होंगे कितना लाइट थ्रो है, बहुत ही पावरफुल लाइट है। और हाईवे में आपको अलग से कोई भी लाइट इस गाड़ी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस गाड़ी में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, N250 में भी ज़रूरत नहीं पड़ता। वैसे अंडरविली एग्जॉस्ट का नोट एक बार मैं आपको सुनाना चाहूँगा तो आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे। नो डाउट इसका एग्जॉस्ट नोट में ना एक अलग सा बेस है। बाकी एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख गया होगा कि इसमें और आपको DTSI का ब्रांडिंग नहीं देखने को मिल रहा है। तो 2024 मॉडल में आपको और DTSI टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगा इन 160 के ऊपर। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपका 164.38 cc सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 2 valve SOSC इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें अराउंड आपको 16 PS की पावर मिलती है, 14.65 Nm का टॉर्क मिलता है, 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये आता है। एंड इसमें आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो सामने में इसका ऑयल कूलर सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा ऑयल कूलर सिस्टम है बट इसमें आपको मिलता है ऑयल कूलर सिस्टम। ओके, नीचे में फाइबर का इंजन बेली पैन आपको दिया गया है, वो भी डुअल टोन कलर के साथ। एंड उसके साथ साथ इधर भी आपको विनाइल दिख रहा होगा। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो 37mm डायमीटर का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड मडगार्ड का डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डुअल चैनल ABS का बैजिंग आपको दिख रहा होगा। सेगमेंट में फर्स्ट आपको पल्सर N160 में ही डुअल चैनल ABS देखने को मिला था। फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क मिलता है ग्रेमी का कैलिपर के साथ और डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आता है, जैसे कि मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। 100x80 सेक्शन का टायर मिलता है 17 inches का अलॉय व्हील के साथ। MRF नाइलो ग्रिप जैपर का टायर इस पर्टिकुलर मॉडल में है, आपको यूरो ग्रिप भी मिल सकता है, C8 भी मिल सकता है। बाकी रिम के साइड पे आपको इसका बाइक का कलर के वाइज स्टिकरिंग भी
दिख रहा होगा। एंड फ्रंट से जो है इसमें आपको थोड़ा सा ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका बाइक का नंबर प्लेट फीड होगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पे मीटर कंसोल मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लिंकर्स की अगर बात करें तो बल्ब ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे मिलता है जो आपका फ्लेक्सीबल है, टूटता नहीं है ईजिली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक की वेट के बारे में। 154 kg इस बाइक का वेट है। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 165 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 795 mm इसका सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5'4" 5'5" भी है तब भी इस बाइक को आप कंफर्टेबली चला पाएंगे। मैसिव 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक सेगमेंट में 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी किसी भी बाइक में नहीं आता है, इसमें आपको मिलता है 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकती है। E20 फ्यूल डेफिनेटली ये बाइक सपोर्ट करती है। E20 का स्टिकरिंग दिख रहा होगा। बाकी ये कलर के साथ ये विनाइल का डिज़ाइन, मतलब कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। पूरा मेटालिक कलर है और इसका जो ये विनाइल आप देख पा रहे हो ये भी पूरा आपको मेटालिक में ही देखने को मिलता है। पल्सर का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कंपनी फिटेड आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। स्प्लिट सीट सेटअप के साथ आता है एंड सीट नो डाउट कंफर्टेबल है। पैडिंग जो है थोड़ा सा कम है स्पेशली पिलियन सीट में, बट राइडर का जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल राइडर सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पल्सर का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट पिलियन का जो सीट है ना पीछे में बहुत ही वाइड है और स्पेसियस भी है आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। और स्प्लिट ग्रैब रेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड पीछे का जो टेल लाइट है वो एक बार जरूर से ज़रूर मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसका रियर टेल लाइट मेरे को पूरा पल्सर सीरीज में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो ये आप देख सकते हो रियर LED टेल लाइट कैसा है, क्रिस्टल जैसा इसके अंदर डिज़ाइन करा गया ना, मतलब क्यूब जैसा डिज़ाइन है जो देखने में एक्चुअली बहुत ही यूनिक लगती है। एंड यहाँ पे ब्लिंकर्स भी आपको दिख रहा होगा। नंबर प्लेट का जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है। ओके, अभी फिलहाल के लिए जो है मैं इसको बंद करता हूँ। बॉक्स कटिंग स्विंगम और रियर में आपको देखने को मिल जाएगा। और रियर में आपको मिलता है मोनोशॉक जो आपका मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। 230 mm का रियर में डिस्क मिलता है। डुअल चैनल ABS है स्टैंडर्ड, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेमिका के कैलिपर के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलता है। एंड रियर जो टायर है ये आपका 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। रेडियल टायर इसमें आपको नहीं मिलता है, MRF का टायर यहाँ पे आप दिया गया है। बाकी टायर हगर्द आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक छोटा सा मडगार्ड दिया गया है जो आपका सस्पेंशन को कीचड़ वगैरह से प्रोटेक्ट करने वाला है। N160 का बैजिंग आपको साइड में ये काउल के ऊपर दिख रहा होगा। एंड उसके साथ साथ ये पीछे का पोर्शन भी आप देख पा रहे हो, एक छोटा सा लाइक टेल टाइड यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको देखने को मिल जाएगा। क्रैश गार्ड जो है डेफिनेटली इसका आपका पैड या फिर आपका बाइक को जो है प्रोटेक्ट करने वाला है। उसके साथ साथ टू शिफ्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आता है। नो डाउट बाइक काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइन है, बट कहीं ना कहीं पावर जो है थोड़ा सा मेरे को कम महसूस होता है अदर 160cc बाइक से। बाकी ओवरऑल बाइक का जो रोड प्रेजेंस है, जो लाइट थ्रो है, जो रिफाइनमेंट है, जो ये क्लच का जो लाइटनेस है, ये दूसरा कोई भी बाइक में अभी तक, मतलब कोई भी ब्रांड का बाइक में अभी तक मैंने नहीं देखा हो। यहाँ पे आपको मिलता है आपका साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर। मिडिल स्टैंड आपको यहाँ पे मिलता है और फुल्ली ओपन चेन है। चेन को जो है आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। और साड़ी गार्ड जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हैंडल बार की बात करें तो हैंडल बार इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है सिल्वर फिनिश में। और जो आपका ब्लैक कलर है, जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर है, उसमें आपको मैट ब्लैक फिनिश में हैंडल बार मिलता है। और यहाँ पे स्विच जो कंसोल है ना, इसका क्वालिटी एक्चुअली मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगता है। जैसे आप इसका मेन हेडलाइट को ऑन करते हो तब जाके इसके अंदर जो है बैकलेट जो लाइट है वो भी जाके ऑन हो जाता है। एंड अभी फिलहाल के लिए जो है इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, मेन प्रोजेक्टर और DRL ऑन ऑफ करने का स्विच। इधर है आपका सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच। एक बार हॉर्न भी सुना दे रहा हूँ, सिंगल हॉर्न है बट डेफिनेटली लाउड। दिस इज़ द डिपर बटन एंड डिपर का थ्रो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्लच की अगर बात करें तो बहुत लाइट क्लच है, विदाउट एनी स्लिपिंग असिस्ट क्लच, प्रॉपर मेटल का बार दिया गया है। बाइक वैसे ही रिफाइन है, उसके साथ और वाइब्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर मेटल का बार दिया गया है। सेमी डिजिटल बेजललेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर। इधर आपका स्पीडोमीटर ओडोमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ लॉट्स ऑफ फीचर्स है। ट्रिप 1 में आपको कितना माइलेज मिल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। ट्रिप 2 में आपको कितना माइलेज मिल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ डिस्टेंस टू MT सर्विस रिमाइंडर। एंड उसके साथ साथ आपको इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी भी देखने को मिलता है। ये आपको दिख रहा होगा इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी। एंड यहाँ पे आपको मिलता है आपका फ्यूल गेज, यहाँ पे टाइम शो करता है। सर्विस रिमाइंडर तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी जैसे आप ऑन करते हो एक फुल स्वाइप लेता है। एनालॉग में आपको यहाँ पे टैकोमीटर दिया गया है।
और इसका जो पावर है वो आपको पूरा मिड रेंज में पावर है। इसका प्रॉपर राइड रिव्यू का जो लाइक वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दिस इज़ अ हाई शिफ्ट आरपीएम लिमिटर का सिग्नल, एबीएस का सिग्नल, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का सिग्नल, उसके साथ साथ न्यूट्रल का सिग्नल, ऑयल चेक लाइट, बैटरी सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, साइज 10 की रहा है तो वो शो करता है, एंड उसके बगल में है इंडिकेटर का सिग्नल, उसके ठीक बगल में है हाई बीम का सिग्नल। आप एक चीज़ सोच सकते हो कि DTSI अभी इसमें और नहीं रहा तो इसका पावर क्या कम हो गया है। जी नहीं गाइस, इसका पावर सेम टू सेम है, आपको सेम थ्रोटल रिस्पांस मिलेगा सिंगल स्पार्क प्लग से ही। बट DTSI टेक्नोलॉजी जो है BS6 फेज 2 नॉर्म को जो है लाइक उसके अंदर जो है नहीं पड़ता है DTSI टेक्नोलॉजी, तो उसी के वजह से जो है DTSI टेक्नोलॉजी मैक्सिमम बाइक से जो है हट जा रहा है बजाज का। एंड उसके साथ साथ मेनू और सिलेक्ट बटन यहाँ पे दिया गया है, मिरर से भी जो है आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलता है। तो अपडेट जो है एक्चुअली इसमें DTSI आपको और नहीं देखने को मिलेगा, यही अपडेट है। बाकी प्राइस तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइस में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। 1,57,000 के आसपास ही जो है इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। बाकी फुटपैक की अगर क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम फुटपैक दिया गया है, जैसे आपको दूसरा इन एंड इन एस सीरीज़ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं टोटल 5 रीज़न अभी बताने वाला हूँ कि आपको अभी 2024 में इन 160 क्यों लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका लाइट थ्रो हो गया, लाइट थ्रो जो है इसका कमाल का है। दूसरा कोई भी 160 सीसी सेगमेंट के बाइक के हिसाब से लाइट थ्रो इसमें आपको काफ़ी कमाल का मिलता है। सेफ्टी भी है इसमें, डुअल डिस्क मिलता है, डुअल चैनल एबीएस के साथ मिलता है, जो दूसरा लाइक 160 सीसी में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जो है RTR 160 में भी डुअल चैनल एबीएस का अपडेट आया है, बट अभी तक वो शोरूम पे आया नहीं है। एंड थर्ड हो गया इसका इंजन, उसके साथ साथ इसका रिफाइनमेंट बहुत स्मूथ है, लाइक बाइक जब स्टार्ट होता है उतना ज़्यादा पता ही नहीं चलता है। साउंड भी अच्छा है। एंड चौथा हो गया इसका जो टायर प्रोफाइल वगैरह है, लाइक 130 सेक्शन का टायर मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर, एंड सामने में 100 सेक्शन का टायर मिलता है, वो भी ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। नो डाउट बाइक चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड टिप जो पॉइंट हो गया वो है इसका सस्पेंशन, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है, लाइक फ्रंट सस्पेंशन या फिर रियर सस्पेंशन आप कह लीजिए, या फिर सीट जो स्लिट सीट सेटअप लिया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप आपके पिलियन के साथ जो है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस बाइक में राइड कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत आप वीकेंड टूर वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो। तो बाकी आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा आपको ये न्यू 2024 पल्सर इन 160 कैसा लगा। जरूर से जरूर आपका नियरेस्ट बजाज डीलर के पास विजिट करके इस न्यू 2024 इन 160 का टेस्ट राइड लेना मत भूलिएगा। भाई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सेफ रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।